नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पयोधी शशि। इलेक्शन मतलब जी न्यूज, और आपने कल ये देख भी लिया होगा किस तरह से पल पल की अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर थे। और आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होते ही जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। 20 राज्यों की 91 सीटों पर कहां कितने वोट पड़े, पूरा अपडेट आपको हम देंगे। साथ ही ये भी आपके लिए जानना जरूरी होगा कि इस वोटिंग से क्या संदेश निकल कर आया है। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि आज का चुनावी मेन्यू क्या है, यानी कि आज की चुनावी थाली में कौन कौन से नेता हैं जो आज किस जगह पर जा रहे हैं, उनकी रैली कैसी है, आप समझिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की बात करें तो 11 बजे अहमदनगर महाराष्ट्र में वो होंगे। उसके बाद 3 बजे वो गंगावती कर्नाटक जाएंगे। 6:30 बजे वो कालीकट केरल जाएंगे। तो 3 राज्यों में अलग अलग रैली है प्रधानमंत्री की, अमित शाह की। 12:30 बजे वो क्यूंझर जाएंगे उड़ीसा में। और उसके बाद राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 4:00 उनका कार्यक्रम है रैली का। इस तरह से अमित शाह का कार्यक्रम है, राहुल गांधी का भी आप सुन लीजिए। 11 बजे वो कृष्णागिरी जाएंगे तमिलनाडु। फिर तमिलनाडु में ही 1 बजे उनका सालेम में रैली का कार्यक्रम है। उसके बाद लगभग 3:45 यानी कि 3:45 पर थेनी तमिलनाडु हो जाएंगे। और तमिलनाडु में ही चौथी रैली भी है, 5:30 मदुरै में वो मौजूद होंगे। तो राहुल गांधी का कार्यक्रम इस तरह सा है। अगला मेन्यू चुनावी थाली में यह है कि राजनाथ सिंह की रैली भी है, कच्छ में होगी, यानी कि गुजरात में 11:00 उनकी रैली का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। और अब जेपी नड्डा की सभा के बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। इलाहाबाद में उनकी रैली होनी है, फूलपुर में। यूपी में ही दोनों रैलियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, आप भी जानते हैं, इलाहाबाद और फूलपुर बीजेपी के लिए। तो ये चुनावी मेन्यू है और ये है आज का तमाम नेताओं का।